नमस्कार, पंजाबी डांस में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। जी हां, भीमा कोरेगांव हिंसा में 5 गिरफ्तारियों के बाद लगातार जो है परत दर परत कई बातों का खुलासा हुआ। पहला खुलासा ये हुआ था कि नक्सली देश में राजीव गांधी हत्याकांड की तरह एक और हत्याकांड की साजिश कर रहे हैं, और अब सामने आया है कि ये जो साजिश रची जा रही है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला जो है 18 अप्रैल को राणा जैकब द्वारा कॉमेडियन प्रकाश को लिखी एक चिट्ठी के थ्रू सामने आया है। राणा जैकब ने अपने पत्र में लिखा कि इसलिए वो सोच रहे हैं कि देश में राजीव गांधी हत्याकांड के जैसे ही एक और हत्याकांड का जो प्लान है वो रचा जाए। चिट्ठी में उन्होंने ऐसा लिखा है। आगे उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि अगर ये ऐसा होता है तो ये सुसाइड अटैक लगेगा, क्योंकि हम टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो को करेंगे। अगर वो रोड शो पे निकलते हैं तो उनके रोड शो पे हमला करेंगे, जो कि एक सुसाइड अटैक लगेगा। चिट्ठी में इतना कुछ लिखा गया। चिट्ठी के आने के बाद पूरे राजनीतिक गलियारे जो हैं वहाँ पे उत्था पटक का माहौल है, पूरा भूचाल सा आ गया है। इस पूरे मामले पर सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसकी जाँच होनी चाहिए, और हाँ, जांच होना ज़रूरी भी है, ऐसा कुछ है। लेकिन चिट्ठी के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों की उठा पटक काफ़ी तेज़ हो गई है। कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस पे बोली हैं, लेकिन इस खबर में आगे क्या होता है, हमारी टीम लगातार इस खबर पे बनी हुई है और आगे की अपडेट हम आपको समय दर समय पहुँचाते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।